अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है. ओके, इन आर लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मोनोपोली, द डिफरेंट मार्केट कंडीशंस और द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स अंडर मोनोपोली फॉर द शॉर्ट रन. तो शॉर्ट रन में हमने बात कर ली थी कि शॉर्ट रन के अंदर एक्चुअली क्या होता है हमारे पास, कि वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर फर्म्स होती है वो अपने जो बिजनेस का साइज होता है और ऑपरेशन के साइज को जो है वो चेंज नहीं कर सकती. ठीक है, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम के हमने तीन कंडीशंस को जो था वो डिस्कस किया था, और उसकी थ्री कंडीशंस थी. उसके अंदर हमने कहा था कि शॉर्ट रन के अंदर एक कंपनी को एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और कंपनी को नॉर्मल लॉस भी हो सकता है. अच्छा, नेक्स्ट आर टुडेज लेक्चर इज अबाउट द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. अगर हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करें, सो अंडर लॉन्ग रन का तो हमें एक तो आइडिया है कि लॉन्ग रन बेसिकली वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर दैट वेरीज फ्रॉम 10 to 20 ईयर्स. एंड इन दिस टाइम पीरियड अ फर्म कैन चेंज द साइज ऑफ इट्स ऑपरेशन. ठीक है, फर्म अपनी बिल्डिंग का साइज चेंज कर सकती है, प्लांट का साइज, इक्विपमेंट का साइज, और जितनी भी उसकी एग्जिस्टिंग, जो आप उसे कह लेना एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज मौजूद हैं, उनको भी रीस्केड्यूल करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है. ठीक है, तो अभी जो हमने आज के में डिस्कस करना है वो हम लोगों ने लॉन्ग रन जो है वो फर्म इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली मार्केट कंडीशन को जो है वो डिस्कस करना है. तो लॉन्ग रन को स्टार्ट कर लेते हैं. हियर ही इज सेइंग द लॉन्ग रन इज अ पीरियड इन विच मोनोपोलिस्ट हैज द टाइम टू एक्सपैंड हिज प्लांट. लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आपके पास एक मोनोपोलिस्ट के पास ऑप्शन होता है कि वो अगर अपने प्लांट के साइज को, प्लांट मीन्स फिक्स्ड एसेट्स, लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, कुछ भी. ठीक है, ही कैन एक्सपैंड द साइज ऑफ हिज प्लांट और टू यूज द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ हिज प्लांट एट द लेवल विच विल मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट. तो वही वाली बात की, यहाँ तो वो अपनी एग्जिस्टिंग जो भी उसके पास फैसिलिटीज मौजूद हैं उनकी यूटिलाइजेशन या उनकी रीस्केड्यूलिंग वो इस तरीके से कर सक रहा है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर ले. सो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द मोनोपोलिस्ट टू रीच एन ऑप्टिमल स्केल. ओके, अच्छा, यहाँ पर ना ये एक तीन चीज़ें जो है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंदर हमेशा हमेशा फर्म को क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट ही होगा. फर्म एवर अर्न्स एबनॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, लॉन्ग रन जो भी मोनोपोली की फॉर्म होती है अगर वो लॉन्ग रन में एंटर हो जाए तो उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट ही होगा. अच्छा, यहाँ पे उसने आपसे कहा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द मोनोपोलिस्ट टू रीच एन ऑप्टिमल स्केल. कहता है जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिमल स्केल पर ही रीच करे और रिमेन एट सब ऑप्टिमल स्केल. वो सब ऑप्टिमल स्केल पर भी हो सकती है और सरपास द ऑप्टिमल स्केल, और वो ऑप्टिमल स्केल को क्रॉस भी कर सकती है. अच्छा, बेसिकली ऑप्टिमल ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा. ऑप्टिमल मीन्स मैक्सिमम. ठीक है, मैक्सिमम का मतलब है कि वी आर मैक्सिमम, वी आर यूटिलाइजिंग आवर मशीनरी एट द मैक्सिमम लेवल. ठीक है, मतलब कि जितनी भी आपकी बिल्डिंग की, जितनी भी आपके प्लांट की, जितनी भी कैपेसिटी मौजूद होगी हम उसको फुली यूटिलाइज करेंगे और फुल जो है वो प्रोडक्शन करेंगे और उस प्रोडक्शन को जो है वो सेल करेंगे और वहां से अपना प्रॉफिट अर्न करेंगे. सब ऑप्टिमल का मतलब होता है ऑप्टिमल स्केल से नीचे रह जाना. समटाइम्स मार्केट कंडीशन इस तरह की होती है से डिमांड नहीं है मार्केट में. ठीक है, या उस तरह से जो है आपकी प्रोडक्ट की कंजम्पशन नहीं है या फिर प्रोडक्ट की टाइप वो नहीं है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपनी जो फिक्स एसेट्स हैं उनको फुली यूटिलाइज नहीं कर पाते. ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि वो जो फर्म्स हैं वो सब ऑप्टिमल स्केल पर रह जाती हैं. और समटाइम्स मार्केट कंडीशन ऐसी हो जाती हैं लाइक उसमें डिमांड इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है या फिर प्रोडक्ट टाइप आपकी इस तरह की होती है कि वहाँ पर आप अपनी जितनी आपकी प्लांट की कैपेसिटी होती है ना, आप उसको मोर देन दैट यूटिलाइज करते हो, मतलब फुल कैपेसिटी से भी ज़्यादा जो है उसकी यूटिलाइजेशन हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जो पहले बात कर रहे थे, से ये हमारे पास कैंपस की बिल्डिंग मौजूद है. कैंपस बिल्डिंग के लिए हम लोगों ने पहले जो ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहे थे लास्ट ईयर, हमने कुछ प्रोग्राम्स को इंक्रीज किया और इस साल हमने इकट्ठे से कोई 10-12 डिग्रीज जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी है. अब क्या हो रहा है कि इवनिंग क्लासेस के लिए पहले हम क्या करते थे, 6:30 तक उसको यूटिलाइज कर रहे थे और अब हम उसको 7:30 एंड अबाउट तक भी यूटिलाइज कर रहे हैं. तो दिस इज बेसिकली द ओवर यूटिलाइजेशन. अच्छा, ओवर यूटिलाइजेशन का ना एक नुकसान भी होता है. नुकसान ये है कि कंपनी अब नॉर्मल प्रॉफिट तो अर्न करती रहती है लेकिन जो कंपनी के एक्सपेंसेस है ना, या जो कंपनी की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है. देखो से अगर हम इसी बिल्डिंग को ओवर यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, रिपेयर और मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, फर्नीचर जो है वो ज़्यादा जल्दी ख़राब होने लग जाएगा. ठीक है, तो सब जो आपके पास होता है ना, आप सरपास द ऑप्टिमल स्केल, ऑप्टिमल स्केल को भी क्रॉस कर जाना,
एबनॉर्मल प्रॉफिट तो आपको देता है लेकिन वो आपकी कॉस्ट पर भी बहुत एडवर्सली इफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने आपको बताया कि फर्म कैन रिमेन ऑन ऑप्टिमल स्केल, वो मैक्सिमम स्केल पर भी रह सकती है। फर्म कैन रिमेन एट सब ऑप्टिमल, सब ऑप्टिमल का मतलब होता है ऑप्टिमल से नीचे रह जाना, और कैन सरपास और ऑप्टिमल स्केल को क्रॉस कर जाना, ठीक है। तो इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन द मार्केट डिमांड। वो कहते हैं कि जो इंटायरली है वो मार्केट डिमांड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डेफिनेटली मार्केट में डिमांड होगी तो अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्शन होगी, या तो हम उसके अंदर इन द लॉन्ग रन मैंने आपका होगा एबनॉर्मल प्रॉफिट ही, या तो हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेंगे या फिर अंडर यूटिलाइज रह जाएगा या फिर ओवर यूटिलाइजेशन होगी, लेकिन प्रॉफिट एबनॉर्मल ही होगा। कहते बट ही विल मोस्टली कंटिन्यू टू अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट्स इवन इन द लॉन्ग रन। वो कहते लॉन्ग रन के अंदर हमेशा एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ही होंगे। नाउ द वेरियस पॉसिबल सिचुएशंस ऑफ अ मोनोपलिस्ट फर्म इक्विलिब्रियम रिलेटिंग टू इट्स एबनॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन आर डिस्कस्ड एज अंडर। सिचुएशंस देख लेते हैं। नंबर वन, ऑप्टिमल स्केल। अच्छा, ऑप्टिमल स्केल लाइक जो डायग्राम इज लाइक द प्रीवियस वंस, वो प्रीवियस वंस की तरह ही है। आपके पास आपके एक्स एक्सिस पे आपके पास आउटपुट होगा, वाई एक्सिस पे आपकी प्राइसेस होंगी, कॉस्ट होंगी, रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब जब हम अपना उसको आपकी ड्रॉ करेंगे तो प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, वो भी आ जाएगा, और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था इसको बनाना। ओके, इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेम रहती है। इक्विलिब्रियम की दो ही कंडीशन है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, एंड द कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम डाउनवर्ड इन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो यहाँ तक की जो सिचुएशन है ना, यहाँ पे दोनों कर्व्स ड्रॉ कर लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बना लिया, और यहाँ पे देखिए ये जो आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वही डाउनवर्ड से इंक्रीजिंग ट्रेंड पे जाते हुए उसने इसको इंटरसेक्ट किया मार्जिनल रेवेन्यू को। तो जो ये वाला आपका पॉइंट था ये क्या बन गया, ये आपके पास ई पॉइंट आ गया है, ठीक है। लाइक यहाँ तक आपके पास जो है वो ई पॉइंट आ गया। इस ई पॉइंट को जब आप इंक्रीज करते हैं ऊपर, जहाँ पे ये हमारे एवरेज रेवेन्यू के कर्व को इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ तक का मतलब है कि जो ये वाला पोर्शन है ना, ओ क्यू आपके पास आपकी क्वांटिटी है, ओ पी जो है वो आप अपनी प्राइस फिक्स कर सकते हो, और जो टोटल रेवेन्यू आपको यहाँ से मिलेगा आउटपुट इनटू प्राइस से, जो टोटल रेवेन्यू आपका जनरेट होगा दैट विल बी ओ क्यू एंड ए पी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑप्टिमल स्केल में पता क्या होता है, ऑप्टिमल स्केल की कंडीशन ये है कि जो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ जाती है। लाइक ये देखो, ये जो एवरेज कॉस्ट का कर्व नजर आ रहा है ना, ये यहाँ से ये शेडेड एरिया तो इसे पता नहीं चल रहा, एवरेज कॉस्ट के कर्व ने गुजरते हुए यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट के कर्व को इंटरसेक्ट करना है, और जिस पॉइंट पे वो उसको इंटरसेक्ट करता है, मतलब हम जब एवरेज कॉस्ट के कर्व को एक्सपैंड करते हैं ना, से वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, हम उसे एक्सपैंड करते गए करते गए करते गए, तो एक लेवल वो आ जाएगा जब वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब मार्जिनल कॉस्ट को वो इंटरसेक्ट करते हैं ना, उसके बाद वो मजीद नीचे नहीं जा सकता, फिर वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे चला जाएगा। लाइक एवरेज कॉस्ट आपकी डिक्रीज होते होते मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आएगी, और एट दैट पॉइंट यहाँ पर जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट की कर्व की स्लोप है ना, वो बिल्कुल जीरो है। जीरो का मतलब है कि इससे मजीद नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। यहाँ से आते आते बिल्कुल मिनिमम पॉइंट पे वो इसको इंटरसेक्ट करेगा, और फिर वो यहाँ से फिर दोबारा से इंक्रीज होते हुए ऊपर चली जाएगी। सो जो ये वाला पॉइंट है ना, जहाँ पे आपकी एवरेज कॉस्ट होती है वो मिनिमम होती है, और जो उसका स्लोप जो होती है वो बिल्कुल डाउन, और यहाँ उसको कहते हैं स्लोप जो है वो बिल्कुल जीरो होगी, वो उसको इंटरसेक्ट करेगा। तो जो ये वाला पॉइंट है आपका, जब वो इक्विलिब्रियम पे ही उसको क्रॉस करेगा, तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास ऑप्टिमल स्केल का पॉइंट है। यहाँ पर आपका जो मोनोपलिस्ट है या जो भी आपके फर्म का ऑनर है वो अपनी प्लांट की कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज कर रहा है, और यहाँ पे ये देखो कॉस्ट के कर्व को यहाँ से इंटरसेक्ट किया था, तो ये कॉस्ट का कर्व यहाँ पर जाके मिल जाएगा। अब दरम्यान में ये जो शेडेड एरिया, अब देखो रेवेन्यू ऊपर है कॉस्ट नीचे है, तो क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट आपके पास क्या है नीचे। और ऑप्टिमल स्केल के लिए कंडीशन क्या थी कि जो आपका एवरेज कॉस्ट का कर्व है ना वो मार्जिनल कॉस्ट के कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, और यहाँ पर जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है इस पॉइंट पे, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपके एवरेज कॉस्ट है ना, जहाँ पे उसको इंटरसेक्ट करे एवरेज कॉस्ट यहाँ पे मिनिमम होगी, और जो उसकी स्लोप है वो बिल्कुल जीरो। इसके बाद मजीद डाउन उसने नहीं जाना है, इसके बाद वो दोबारा से इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। तो एक बार जरा उसको एक्सप्लेनेशन को देख लें। ऑप्टिमल स्केल में आपसे कह रहे हैं इन द फॉलोइंग डायग्राम एट पॉइंट ई, कहते हैं फॉलोइंग डायग्राम में जो पॉइंट ई है आपके पास, ये तो आपको एक्सप्लेन करना आता ही है कि दोनों कर्व्स आ गए, मार्जिनल कॉस्ट की कर्व ने जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व को इंटरसेक्ट किया वहाँ पर पॉइंट ई आ गया। तो एट पॉइंट ई अ मोनोपलिस्ट फर्म इज इन इक्विलिब्रियम, वो कहते हैं यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम है, वी ऑलरेडी नो दैट।
अब नॉपलेस फॉर्म विथ इन इक्विलिब्रियम बिकॉज बोथ द कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम आर फुलफिल्ड. जो दोनों कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो गई. दोनों कंडीशन क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू एट मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम डाउनवर्ड इन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड. ये यहाँ तक तो पुरानी बात. आगे आपसे कह रहे हैं द लॉन्गर मार्जिनल कॉस्ट कर्व कर्व्स द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम द बिलो. वो ये वही वाली बात है कि मार्जिनल कॉस्ट की कर्व नहीं है, मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व को बिलो नीचे से जाते हुए जो था वो अपवर्ड जाते हुए उसको क्रॉस करना था. ओ क्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. जो ओ क्यू है वो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है एंड क्वांटिटी एट द कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस ऑफ ओ पी. जो ओ पी है वो आपकी प्राइस है. तो टोटल रेवेन्यू कितना बन जाएगा ओ क्यू इंटू ओ पी. तो वो आपके पास आ जाएगा ओ क्यू ए पी. ये आपके पास टोटल रेवेन्यू आ गया. टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी ओ क्यू ई एफ. तो ये आपके पास आ गई आपकी टोटल कॉस्ट. अब जब आप अपना प्रॉफिट निकालेंगे तो वो क्या करेंगे ओ क्यू ए पी माइनस ओ क्यू ई एफ. और हमारे पास जो प्रॉफिट का एरिया आ जाएगा वो क्या होगा ए ई एफ पी. ये आपके पास प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है. ठीक है, अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लो. ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है लेकिन चलिए उसको नोट्स से भी एक दफा पढ़ लेते हैं. वो कहते हैं दस द मोनोपोलिस्ट फर्म ऑब्टेन्स एक्सेस प्रॉफिट इक्वल टू द शेडेड एरिया. शेडेड एरिया के इक्वल उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा विच इज एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोलिस्ट. और वो जो शेडेड एरिया ए ई एफ पी का वो उसका एबनॉर्मल प्रॉफिट है. द अबव फिगर शोज द केस इन विच द मार्केट साइज इज जस्ट लार्ज इनाफ टू बिल्ड द ऑप्टिमल प्लांट. वो कहते हैं अबव फिगर शो कर रही है कि एक वो केस शो कर रही है जिसमें जो मार्केट का साइज है ना इज जस्ट इतना इनाफ है टू बिल्ड द ऑप्टिमल प्लांट कि आप अपने प्लांट को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं एंड यूज इट एट फुल कैपेसिटी. और आप उसको फुल कैपेसिटी के ऊपर आप जो है ना उसको आप अपना ऑप्टिमल जो प्लांट साइज होगा उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम और मैक्सिमम ही आप उसकी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं. सी फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्लांट की प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स है तो हमने उससे पूरा 1000 यूनिट ही लेना है और पूरा 1000 यूनिट ही मार्केट में सेल करना है. वो कहते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मार्केट. वही वाली बात है, मार्केट साइज इज लार्ज इनफ. वो इतना साइज मौजूद है कि आप अपने प्लांट को ऑप्टिमल साइज के ऊपर यूटिलाइज करें और फुल कैपेसिटी के साथ उसको वर्क कराएं. और वो मार्केट के साइज पे डिपेंड करते हैं. कहते हैं द इक्विलिब्रियम पॉइंट ई इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. ये जो है ना ई पॉइंट जो मैं आपको कह रही थी कि ये आपके पास क्या, ये मिनिमम पॉइंट है. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इस तरफ से आती हुई नीचे 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 यहाँ लोएस्ट पे पहुँचती है. लोएस्ट पे पहुँच के फिर वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है. तो जब वो एक बार जो आपकी ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट को टच करती है उस टाइम पे आपकी जो फर्म है वो किस पे होती है, फर्म ऑप्टिमल कंडीशन में होती है. ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं मिनिमम पॉइंट इक्विलिब्रियम के ऊपर जो होता है क्या है, मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी विच शोज द ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्ट. और वह उससे पता चला है कि ये मोनोपोलिस्ट का ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्रोडक्शन है. एट दिस पॉइंट द स्लोप ऑफ एल ए सी इज जीरो. और वहाँ पर जो उसकी स्लोप है वो जीरो है. मैंने आपसे कहा था कि स्लोप वहाँ पर जीरो होगी क्योंकि उसके बाद मजीद वहाँ पर डिक्रीज नहीं होगा. उसके बाद दोबारा से जो आपका कर्व है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पर चला जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपने कह रहे हैं सब ऑप्टिमल स्केल. सब ऑप्टिमल स्केल का मतलब है कि इसके बाद आपकी जो फर्म ऑलरेडी जो उसको पहले हम उसको कर रही थी फुल यूटिलाइज कर रही थी, सब ऑप्टिमल स्केल में जो आपका प्लांट साइज है वो अंडर यूटिलाइज रह जाता है. यहाँ आपसे कह रहे हैं इन दिस केस द मार्केट साइज डज नॉट परमिट द मोनोपोलिस्ट टू एक्सपैंड टू द मिनिमम ऑफ एल ए सी एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर. कहते हैं इस केस में जो मार्केट साइज है ना, देखिए मार्केट साइज छोटी होगी, पॉपुलेशन कम है या पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट की डिमांड कम है या प्रोडक्ट की नेचर ही इस तरह की है कि आप उसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते, प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं कर सकते, कोई भी मार्केट कंडीशन हो सकती है. यहाँ पे कह रहे हैं इन दिस केस द मार्केट साइज डज नॉट परमिट द मोनोपोलिस्ट. वो मोनोपोलिस्ट को परमिट नहीं करती टू एक्सपैंड द मिनिमम एलएसी. यानी कि वो कहते हैं कि आप अपने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को एक्सपैंड करते भी जाएंगे ना तो भी आप उसको वो आपको अलाउ नहीं करेगा, वो आपको परमिट नहीं करेगा कि वो अपने मिनिमम पॉइंट से गुजरे. ठीक है, टू एक्सपैंड वहाँ पे कह रहे हैं द मोनोपोलिस्ट डज नॉट परमिट द मोनोपोलिस्ट टू एक्सपैंड टू द मिनिमम ऑफ एलएसी. देखो यहाँ पर क्या था, वो एक्सपैंड कर रहा था ना अपने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को, तो एक्सपैंड का मतलब बढ़ाते 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 वो एक बार मिनिमम पॉइंट पर आ गया और उसके बाद फिर से वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पर चला गया. ठीक है, जो उसका मिनिमम पॉइंट था वो आपके मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ गया था. ठीक है, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ गया था.
यहाँ पे वो कहते हैं डस नॉट परमिट, वो परमिट नहीं करता मोनोपोलिस्ट को टू एक्सपैंड, कि वो उसको एक्सपैंड करे टू द मिनिमम ऑफ एलएसी, कि वो उसको एक्सपैंड करता जाए और जो एलएसी वो अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाए. वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा, एलएसी अपने मिनिमम पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, वो हमेशा जो आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर ही रहेगी, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर. अब फॉलोइंग फिगर में देख लें, आपके पास एक्स एक्सिस पे आउटपुट मौजूद है, वाई एक्सिस पे आपके पास प्राइस है, कॉस्ट है और रेवेन्यू आ गया. ठीक है, हमने मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू का कर्व देख लिया, मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व देख लिया, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के कर्व ने इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे दोनों कंडीशन इक्विलिब्रियम की पूरी हो गई. मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम डाउनवर्ड इन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड. तो ये दोनों कंडीशन जो थी वो आपकी मीट कर गई यहाँ पे. तो इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट को वही नीचे की तरफ को भी ड्रॉ कर देंगे और ऊपर की तरफ को भी ड्रॉ कर देंगे. रेवेन्यू कर्व को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा ये अब आपका रेवेन्यू बन गया. आउटपुट कितने, इक्विलिब्रियम का आउटपुट ओ क्यू है, प्राइस कितनी है ओ पी, और इस टाइम आप जो टोटल रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं दैट इज ओ क्यू एंड ए पी. ठीक है, अच्छा इसके बाद अब अपनी कॉस्ट देखें. लास्ट थिंग क्या था, कॉस्ट को जब इंक्रीज करते कहते हैं वो अपना कॉस्ट को एक्सपेंड करता है तो वो मिनिमम पॉइंट से गुजरता है, तो वो इस पॉइंट से गुजरता था. अब वो इस पॉइंट से नहीं गुजरेगा, जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो इसके ऊपर रहेगी. ठीक है, एवरेज कॉस्ट इसके ऊपर रहेगी. अब एवरेज कॉस्ट का कर्व जो है वो यहाँ से गुजरे. ठीक है, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व है. इस वाले जो आपका परपेंडिकुलर था, जो ये वाला आपका कर्व था, जब वो उसको यहाँ से जो है वो उसको इंटरसेक्ट करेगा तो ये वाला पॉइंट आपकी कॉस्ट बन जाएगी. ठीक है, तो इस टाइम जो रेवेन्यू है ना वो ओ क्यू ए पी है और जो आपका कॉस्ट है वो क्या ओ क्यू बी सी. ठीक है, जो शेडी डेरी है ना ये अभी भी अबनॉर्मल प्रॉफिट है, ये अभी भी अबनॉर्मल प्रॉफिट है, लेकिन ये क्या है, ये सब ऑप्टिमल स्केल पे है. अभी जो आपकी फर्म जो है या जो आप ड्यू टू सम मार्केट कंडीशन या मार्केट साइज आप उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में देखो कहते हैं इन द अबव फिगर द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू. वो मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रहा है फ्रॉम बिलो एट पॉइंट ई. तो ये वही वाली बात है, जब उसको बिलो से इंटरसेक्ट करेगा दोनों इक्वल भी होंगी और इंटरसेक्शन फ्रॉम बिलो साइड पे होगी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा. ओ क्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वो ठीक है. ओ पी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, वो भी ठीक है. तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया ओ क्यू ए पी, और टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है ओ क्यू बी सी. ठीक है, और प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे ओ क्यू ए पी माइनस ओ क्यू बी सी, और दोनों को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा ए बी सी पी. ठीक है, ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा. कहते दिस द मोनोपोलिस्ट फर्म ऑब्टेन्स एबनॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू द शेडेड एरिया ए बी सी पी. वो आपके पास एबनॉर्मल प्रॉफिट ही आ रहा है, लेकिन क्या कहते हैं द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कट्स द आउटपुट परपेंडिकुलर ए क्यू एट पॉइंट बी. कहते जो फॉलिंग पार्ट था ना ये, मतलब यहाँ पे जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉलिंग पॉइंट था और उसने जो आपके पास ये जो क्वांटिटी वाला था, ठीक है, क्वांटिटी वाला जो ए क्यू वाला ये परपेंडिकुलर था, इसको एट पॉइंट बी के ऊपर उसने इंटरसेक्ट किया. और कहते हैं सिंस इट इज यूटिलाइज एट द लेवल बी, इसका मतलब है कि हम अपने जो भी हमारे पास प्लांट है उसको हम काफी लेवल बी तक जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं. देयर इज एन एक्सेस कैपेसिटी, यहाँ पे हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और अभी अभी ये यहाँ तक ई पॉइंट तक हमारे पास जो उसकी कैपेसिटी है ना वो अंडर यूटिलाइज है, हम उसको यहाँ तक यूटिलाइज कर सकते हैं. से हमारे जो एक प्लांट है वो उसके पास 1000 कैपेसिटी है लेकिन हम उससे जस्ट 600 यूनिट्स की प्रोडक्शन ले रहे हैं. मार्केट में हम 600 यूनिट्स को सेल करके भी हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन हमारा जो प्लांट है वो दैट मीन्स अंडर यूटिलाइज. ठीक है, अब आपसे कहते हैं कि एट लेवल बी देयर इज एन एक्सेस कैपेसिटी, एक्सेस कैपेसिटी भी हमारे पास बची हुई है बिकॉज एल एस सी हैज अ नेगेटिव स्लोप एट पॉइंट बी, और जो उसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है. ठीक है, नेगेटिव का मतलब है देखो पहले उसकी स्लोप क्या थी, जीरो स्लोप क्या थी, जीरो, मतलब कि वो मिनिमम पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया था, उसके बाद उसने मजीद डाउन नहीं आना था. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है अभी इसको मजीद नीचे आ जाना चाहिए, मजीद नीचे हम इसको ला सकते हैं अगर हमारे पास मार्केट कंडीशंस और फेवरेबल हो जाएगी. तो यहाँ पर जो आपके पास स्लोप ऑफ है ना उसकी स्लोप वो नेगेटिव है क्योंकि वो डाउनवर्ड जा रही है. ठीक है, तो अंडर यूटिलाइज का आपके पास आगे है, आपके पास पॉइंट बी पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट बी तक हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो कुछ कैपेसिटी है वो अंडर यूटिलाइज रह जाती है क्योंकि जो लॉन्ग रन आपके पास एवरेज कॉस्ट का कर्व है उसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है, आप इसको मजीद यूटिलाइज कर सकते हैं एट द पॉइंट जीरो, जीरो पॉइंट तक आपको इसको लाजमी यूटिलाइज करना चाहिए. ठीक है, आगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में आपसे कहते हैं ओवर ऑप्टिमल स्केल. ओवर ऑप्टिमल का मतलब है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट, यहाँ पे हम अपने प्लांट को ओवर यूटिलाइज करेंगे.
ओवर यूटिलाइज करेंगे तो जरा डायग्राम चेक करो, आउटपुट आगे आपके पास एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे वही प्राइसेस हैं, कॉस्ट है, रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू का कर्व ड्रॉ कर लिया, मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व ड्रॉ कर लिया, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के कर्व ने बिल्कुल पहले की तरह उसको इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ गई, और जो उसने जो था इंटरसेक्शन भी क्या थी, इन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर उसकी इंटरसेक्शन हो रही थी, पॉइंट ई आ गया। पॉइंट ई को हम पहले क्यू तक एक्सपैंड कर देंगे, ओ क्यू जो है वो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। इसी जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे एवरेज रेवेन्यू तक, ए पे इंटरसेक्ट करेगा। अब यहाँ तक जब हम उसको इसके साथ मिलाएंगे तो ओ पी जो है वो आपकी प्राइस बनेगी, तो जो टोटल आपके पास आपके टोटल रेवेन्यू होगा वो कितना होगा, ओ क्यू ए पी। यहाँ तक जो बात है ना वो पुरानी है। अच्छा, पहले जब अंडर यूटिलाइज रहता था ना, जब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होती थी तो जो एवरेज कॉस्ट का कर्व था वो इस ई पॉइंट में से गुजरता था। जब अंडर यूटिलाइजेशन हुई तो ये वाला जो आपके पास पॉइंट, जो आपके पास एवरेज कॉस्ट का कर्व था वो इस कर्व के ऊपर से गुजरा। इसमें हमने कहा था कि एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट आपकी जो है वो कम हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन में जो एवरेज कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट से भी नीचे चली जाती है, बिलो। मतलब मार्जिनल कॉस्ट आपकी ज़्यादा होती है और जो एवरेज कॉस्ट होती है वो उससे भी ज़्यादा कम चली जाती है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में ओवर यूटिलाइजेशन हो रही होती है। और जो आपके स्लोप की कर्व है, अब देखो स्लोप कर्व क्या है, पॉजिटिव। पहले यहाँ से वो नेगेटिव था ना, नीचे को आते आते नेगेटिव, जब अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुँचा तो जीरो, और जब ऊपर को जाना शुरू हो गया तो पॉजिटिव स्लोप आ गई। यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट की कर्व की स्लोप है वो पॉजिटिव है। ऑप्टिमल स्केल में वो जो स्लोप था वो जीरो था, क्योंकि उसके बाद वहाँ पर उसके बाद उसने मजीद वो नहीं होना था, ठीक है, मजीद डाउन नहीं जाना था। वहाँ पर उसकी स्लोप क्या थी, नेगेटिव, नीचे को आ रही थी, और यहाँ पे स्लोप क्या पॉजिटिव, कंटिन्यूसली अभी तक, अभी भी इसके बाद भी वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या, इन दिस केस वेयर द साइज ऑफ द मार्केट इज सो लार्जर दैट मोनोपोलिस्ट मस्ट बिल्ड अ प्लांट लार्जर देन द ऑप्टिमल स्केल। वो कहते हैं जो उसका मैक्सिमम स्केल है ना उससे भी ज़्यादा अपने जो बड़ा प्लांट है वो उसको लगाता है, और उससे भी ज़्यादा उसको एंड ओवर यूटिलाइज इट, और उसको ओवर यूटिलाइज करता है। एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स में से जैसे पता चल रहा है। अब देखो यहाँ से जो एवरेज कॉस्ट का कर्व गुजरना है वो मार्जिनल कॉस्ट से भी बिलो, जहाँ पर ये वाला परपेंडिकुलर उसको वो इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट बी। यहाँ तक जब हम उसको करेंगे तो ये अब आपके पास कॉस्ट, इस टाइम टोटल रेवेन्यू कितनी आपकी, ओ क्यू ए पी, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, ओ क्यू बी सी, ये टोटल कॉस्ट है। तो जो ये शेडेड एरिया है ये आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट है, दैट इज ए बी सी पी, ठीक है। दूसरा चेक करो, कहता है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ओ क्यू आउटपुट इज सोल्ड एट ओ पी प्राइस। ओ क्यू जो है वो आपकी क्वांटिटी है, ओ पी प्राइस में हम उसको सेल कर रहे हैं यहाँ पर ओ पी तक, ठीक है। टोटल रेवेन्यू ओ क्यू ए पी है, टोटल कॉस्ट ओ क्यू बी सी है, प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास, ए बी सी पी, ठीक है। नेक्स्ट ये कहते हैं दस द मोनोपोलिस्ट फर्म ऑब्टेन्स एबनॉर्मल प्रॉफिट, आपके पास एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है इक्वल टू द शेडेड एरिया ए बी सी पी, ओके। द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कर्व्स द आउटपुट परपेंडिकुलर, कहते हैं जो आउटपुट, ये जो आउटपुट वाला परपेंडिकुलर था ना, ये वाला जिसके अंदर हम लोगों ने ई को, ई से हमने कहा था ये आउटपुट तक यहाँ तक, वो कहते हैं वो ई वाले जो आपका परपेंडिकुलर है इसको जो कट कर रहा है वो किस पे कर रहा है, पॉइंट बी, इस बी पॉइंट के ऊपर विद द पॉजिटिव स्लोप, और उसकी स्लोप कौन सी पॉजिटिव, वहाँ पे नेगेटिव थी ना, नीचे को आ रहा था, ऑप्टिमल स्केल में वो जीरो पे थी, क्योंकि उसके बाद फिर वो जो पहले नीचे को आ रहा था फिर उसने मजीद नीचे नहीं आना था, और वहाँ से फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड पे चला गया था। अंडर यूटिलाइजेशन में क्या हुआ, वो डाउनलोड था, वो इसके बाद मजीद डाउनलोड, उसके बाद मजीद वो जो था वो आपका डाउनलोड रहा था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसकी पॉजिटिव स्लोप है, इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद फिर इंक्रीज होता जाएगा। दिस पॉइंट मैक्सिमाइजेस द मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट, मोनोपोलिस्ट के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देगा, लीड्स टू हायर कॉस्ट, ये इंक्रीज पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके बाद कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट के बाद जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, इसके बाद मतलब यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज होगी और फिर इंक्रीज ही होती चली जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब हम अपने प्लांट्स को या अपनी बिल्डिंग्स को ओवर यूटिलाइज करते हैं तो हमारे पास फर्दर रिपेयर की कॉस्ट, मेंटेनेंस की कॉस्ट, वो चीज़ें हमारे जो एसेट्स होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट, ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर जाके कॉस्ट क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो लार्जर देन यहाँ पर दिस ओके दिस प्लांट मैक्सिमाइज मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट, मोनोपोलिस्ट के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी, लीड्स टू हायर कॉस्ट, और उसके बाद हायर कॉस्ट की तरफ लीड करेगी, ड्यू टू इट इज लार्जर देन द ऑप्टिमल साइज। व्हाई, क्योंकि ये ऑप्टिमल साइज से भी ज़्यादा है एंड ओवर यूटिलाइज, और ओवर यूटिलाइज हो रही है।
दिस इज ऑफन द केस विद द पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज ऑपरेटिंग एट नेशनल लेवल. कहता है यूजली जो ये वाली सिचुएशन है ना जहाँ पर हम ओवर ऑप्टिमल स्केल आता है, कि तो नॉर्मली ये जो पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज होती है ना जो कि नेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, जैसे मापदा है, जैसे आपके पास पेस्को है या मेपको है, लाइक जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है आपके पास, ठीक है, आपके पास बासा है, ठीक है, आपके पास वो जैसे आपकी ये सुई गैस वगैरह है, ठीक है, सुई नॉर्दर्न, सुई साउदर्न, ये जो बेसिकली जो कंपनीज है, पीवीसीएल है आपके पास, पाकिस्तान रेलवे है. तो इन इन केसेस में ऐसा होता है नॉर्मली कि हम उसको ओवर यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. आप इसको अच्छे से देख लें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको अभी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. एंड विश यू गुड लक एंड टेक केयर क्लास.